और दो शब्द तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पावन अयोध्या धाम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सो ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो कि दिस अवार्ड गोज टू दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी। और हम लोग और दिनेश जी को जिस फिल्म के लिए अवार्ड दिया जा रहा है उस फिल्म का नाम है माई प्राइड ऑफ भोजपुरी। भोजपुरी सिनेमा में जियो सिनेमा पे बहुत ज्यादा व्यूज मिलने वाला एक ऐसा फिल्म था माई, जो अपने आप में एक मिसाल साबित किया है और जिसके निर्देशक हमारे आदरणीय रजेश मिश्रा जी हैं। आप लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि इस माई फिल्म को जियो पे जाके जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। जय हो, जय हो, जय हो। अरे तू ही लोग बोल बा कि बोलू दे बा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। और नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट क्रिटिक एक्टर एंड दिस अवार्ड गोज टू बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पावन पवित्र धरती पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सरस्वती परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि जिस फिल्म के लिए ये पुरस्कार मुझे मिला वो फिल्म माई राम जी की कृपा से ही बनी थी। और जब उस फिल्म को बनाने के लिए मेरे छोटे भाई निशांत उज्ज्वल जी, उनको भी प्रभु श्रीराम ने इतना साहस दिया, इतनी बड़े बजट की फिल्म बनाने का उन्होंने साहस किया। और जब निशांत उज्ज्वल जी उस फिल्म को बनाना चाहते थे तो उस फिल्म को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हम लोगों को दिख रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में, और वो थे रजनीश मिश्रा। क्योंकि रजनीश मिश्रा वो नाम है जो संगीत से लेकर के और साहित्य तक जो इनकी समझ है, मैं इनके साथ बहुत काम किया हूं निरहुआ रिक्शा वाला से लेके और निरहुआ हिंदुस्तानी। अरे इतना गिनती गिनती गिना रात बीत जाए, इतनी सारी फिल्में इनके साथ किया मैंने। तो हम लोगों ने कहा कि रजनीश भैया इस फिल्म से न्याय करेंगे, और सच में आज ये जो पुरस्कार मुझे मिला है उसके लिए मैं सच में मानता हूं कि ये रजनीश मिश्रा जी आपके डायरेक्शन की देन है। क्योंकि एक्टर तो वही होता है, बात होती है डायरेक्टर की, वो कितना निकाल सकता है किसी एक्टर में। और हमारे निशांत भैया जिन्होंने ये फिल्म बनाई और उस फिल्म को इतना खूबसूरत अभिनेत्री मिली आम्रपाली दुबे जी, जो सबके सपनों की रानी है, उसमें और चार चार लगा दिया आपने और फिल्म को बहुत आपने पसंद किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही आप लोग बनाए रखें, पूरे भोजपुरी परिवार में बनाए रखें। और हम सब पे आशीर्वाद हमारे जो गार्जियन है उड़ाल सर जी, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मंच पे जितने भी आप उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण हैं सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। पाखी हेगड़े जी, निरहुआ रिक्शा वाला, वहीं से तो निरहुआ रिक्शा वाला बनल और यहां तक पहुंचने में
बाकी हेगड़े जी का भी बड़ा योगदान है, आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनका नाम नहीं भूल सकता जो हम लोगों के बीच बैठे हैं, हमारे पिता समान बड़े भाई, हमारे प्यारे लाल कवि जी, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, उनकी ही बदौलत यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। हमारे गुरु जी बैठे हैं यहाँ, दशरथ रथी के महंत जी, इन्होंने आकर के शूटिंग में कहा कि इस फिल्म की शूटिंग अयोध्या में करिए, और आप ही की बदौलत हम लोग यहाँ आए, शूटिंग किए और इतनी अच्छी फिल्म बनी जिसके लिए आज ये पुरस्कार भी मिला। बहुत 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 आभार है। कैटेगरी बेस्ट एक्ट्रेस, दिस अवार्ड गोज टू आम्रपाली दुबे मैम। और ये प्यार, ये सम्मान जो हमारी भोजपुरी की जनता की तरफ से मिलता है, जो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेस के लिए, जिनके फलस्वरूप आज हमें यहाँ सरस सलील के इस मंच पर जो सम्मानित किया जा रहा है। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, लेकिन 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 अभी अभी वक्त है, अभी हमारे बीच में आम्रपाली मैम ऑन द स्टेज मौजूद हैं, तो हमारे जितने भी जनता है जो आम्रपाली मैम से दो शब्द सुनना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, मैं चाहूँ कि आम्रपाली मैम आपकी तरफ से दो शब्द हमारी यूपी की पूरी जनता के लिए। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सरस सलील को कि आप लोगों ने हमारे काम को एक्नॉलेज किया और हमें सम्मान देने का फैसला किया। थैंक यू सो मच। RBF प्रोडक्शंस को, निशांत उज्जवल जी को और पूरी टीम को, सुशांत भैया भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने एक ऐसी फिल्म जो कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसे इतना निडरता से कहने का प्रयास किया और बहुत अच्छे से अपना मैसेज कन्वे किया, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। एंड मेरी ऑडियंस, मेरी जनता, आप लोग हमेशा मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को जितना धन्यवाद कहूँगी उतना कम रहेगा। मेरी इस इंडस्ट्री में आने की वजह मेरी दादी माँ, जिन्हें पिछले महीने 7 तारीख को मैंने खोया है, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करूँ, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं जीवन में कुछ भी कर पाई हूँ या आगे कुछ भी कर पाऊंगी, तो दादी मैं रिस्पॉन्स पे हूँ एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मेक यू प्राउड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये मेंशन करना भूल नहीं सकती कि मेरे साथ मंच पर खड़े हैं हमारे जुबली स्टार माननीय सांसद आजमगढ़ श्री दिनेश लाल यादव जी। मेरी पहली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से लेके आज तक मेरी जर्नी में दिनेश जी के योगदान के बिना इनकम्प्लीट है। मैं ठीक ठाक एक्टर तो थी ही हमेशा से, लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान, मुझे व्यवहारिक इंसान दिनेश जी ने बनाया। थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। और मैं कितनी भी फिल्में कर लेती हूँ, आपके साथ फिल्म करने का आनंद कुछ और ही होता है, तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन। पाखी जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। इंडस्ट्री में आने का एक बहुत मेजर रीज़न ये भी था कि मैंने एक फिल्म देखी थी परिवार, जिसमें दिनेश जी और पाखी जी थे, और वो फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगती थी, वो जितने बार रिपीट टेलीकास्ट आती थी मैं उसको बार बार देखती थी, तो वो एक बहुत मेजर रीज़न है मेरा इस इंडस्ट्री में होने का। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू रिसीव दिस अवार्ड इन योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू। अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का जो कि रजनीश मिश्रा सर के लिए, भाई जोरदार तालियों के साथ मिलना चाहिए आप सभी की तरफ से।
क्योंकि आपका ये प्यार और सम्मान जो हमें यहाँ इस मंच तक लेकर आया है, आपके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं है। और जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि रजनी सर अभी आपको ऐसा नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अभी मेरी बातें पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का, और ये अवार्ड भी जाता है रजनीश मिश्रा सर को। सॉन्ग है तोहरा के राघव अपने पलकन के छाव में, फिल्म माई पाव ऑफ भोजपुरी, दोनों अवार्ड सर के नाम, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर।